आज पटना के बापू सभागार में जनसुराज की तरफ से कर्पूरी जनशताब्दी समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत कर्पूरी ठाकुर के तस्वीर पर पुष्पार्चन कर किया गया। इस अवसर पर MLC सच्चिदानंद राय और MLC अफाक अहमद भी मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी शिरकत करते हुए नजर आए। क्या कुछ कह रहे प्रशांत किशोर, जरा सुनिए। सुझावों के आधार पर इस दल का संविधान बने, आपकी इसमें भागीदारी हो, हिस्सेदारी हो, आप प्रशांत किशोर के दल में मत शामिल होइए, उस दल को बनाइए जिसको आप अपने और अपने बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं। एक ईंट प्रशांत किशोर की है, एक ईंट आप अपनी ओर से भी लगाइए और भरोसा रखिए। लोग बताते हैं कि पिछले 10 साल में मैंने जिसका भी हाथ पकड़ा है वो कभी चुनाव नहीं हारा है। अगर आपका भी हाथ पकड़े हैं और आप खड़े होइएगा, आपको भी हारने नहीं देंगे, ये भरोसा रखिए। हम उनमें से नहीं हैं जो चुनाव लड़ने के लिए लड़ता है, राजनीति करने के लिए राजनीति कर रहा है। अगर बिहार में आए हैं तो ये आप मान कर चलिए कि बिहार को जीतने का पूरा खाका दिमाग में बना कर लाए हैं। इसको जीतना कैसे है, जीतने के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, कितना संसाधन लगाना पड़ेगा, कितना पसीना बहाना पड़ेगा, किनको साथ लेकर चलना होगा, ये सब कुछ सोच समझ कर आए हैं और पूरी तरीके से कृत संकल्पित हैं। जीवन के चाहे 2 बरस लगे या 5 बरस, इसको सुधारे बगैर मानेंगे नहीं। अब तय आपको करना है, आप आइए, जुड़िए और पहल अपने जीवन काल में अपने बच्चों की जिंदगी को बेहतर होते देखिए। और ये बेहतर प्रशांत किशोर के प्रयास से नहीं, अपने प्रयास से, अपनी ताकत से, अपने पुरुषार्थ से आप इसमें जुड़िए, मैं यही आपको कहने आया हूँ। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज शताब्दी समारोह के अवसर पर जो पार्टिसिपेट करने का मुझे अवसर मिला है, 2-3 बातें जो हमारे साथियों ने बताई है। उससे पहले भी आज पिछले 1.5 साल में पैदल चलते हुए हर गांव प्रखंड में मैंने कहा है कि पहली बार आप 2025 के चुनाव में देखेंगे, पहली बार किसी एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म से कम 75 आपके समाज के लोग विधायक का चुनाव लड़ेंगे, कम से कम 75 आदमी चुनाव लड़ेगा। और मन से आपको दावा कर रहे हैं कि अगर जो दल और नेता आपका रहनुमा होने का दावा करता है, जरा उनसे पूछ लीजिए, और उनको चुनौती भी दे रहा हूँ, अगर उनमें दम है तो आपके अवसर पर प्रशांत किशोर ने यह ऐलान किया कि जनसुराज 500 बच्चों को अब अपने खर्च पर ही पढ़ाएगी। ऐसे आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे द HT न्यूज़।